हमीरपुर नगर परिषद एरिया में स्वच्छता अभियान पर सरेआम प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि खुले में सीवरेज की गंदगी बहने से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नगर परिषद के वार्ड 9 और 10 के बीच से गुजरने वाली सीवरेज लाइन के टूटने से गंदगी रास्तों के किनारों पर बह रही है, जिसके कारण पूरे वार्ड में गंदगी भरा माहौल बना हुआ है। हमीरपुर नगर परिषद एरिया में स्वच्छता अभियान पर सरेआम प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि खुले में सीवरेज की गंदगी बहने से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। नगर परिषद के वार्ड 9 और 10 के बीच से गुजरने वाले सीवरेज लाइन के टूटने से गंदगी रास्तों के किनारों पर बह रही है, जिसके कारण पूरे वार्ड में गंदगी भरा माहौल बना हुआ है। बदबू से लोगों को सांस लेने की दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन इस बारे में नगर परिषद के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। पूर्व पार्षद अश्विनी ने बताया कि वार्ड के बीच से जाने वाले नाले के पास सीवरेज लाइन के टूटने से सीवरेज खुली बह रही है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या हल नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वार्ड में बीमारियां फैलने का हर वक्त खतरा बना हुआ है। अश्विनी कुमार, पूर्व पार्षद और एडवोकेट हूँ। यहाँ तक सवाल है हमारे नाले के पोल्यूशन का। पोल्यूशन तो यहाँ था ही था, लेकिन आज स्वच्छता अभियान के जो स्वच्छता अभियान डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये सीवरेज बग रही है, खुली बग रही है, और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बारे में पहले भी हमने इस नाले के बारे में कई बार रिपोर्टिंग भी करवाई है, लेकिन इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि सामने सीवरेज बाहर निकल रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, बीमारियों का खतरा है, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं, कई बार यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए यही एक रास्ता है गौड़ा जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमीरपुर शहर गौड़े में बसा हुआ है, और गौड़े वालों की ये हालत है। वहीं स्थानीय निवासी डॉक्टर सुशील ने बताया कि सीवरेज की पाइप टूटने से गंदगी भरा माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन के टूटने से बदबू से जीना दूभर बन गया है। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन के खुले में बहने से गंदा पानी नाले में बह रहा है, जो कि आगे जाकर पेयजल स्कीम में मिल रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। मैं डॉक्टर सुशील गौड़ा का निवासी हूं, और हम रोज इस रास्ते निकलते हैं। आज हमने देखा सुबह कि ये जो सीवरेज की पाइप है वो टूटी हुई है। हमने स्वच्छता ऐप पे इसकी कंप्लेंट भी दर्ज की है, और शीघ्र इस पाइप को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो सीवरेज का सारा गंदा पानी वो नाले में मिक्स हो रहा है, जो कि जाके हथेली घाट में मिलता है, जिससे कई आगे सिंचाई और दूसरे पीने के पानी की स्कीम है उस पर। तो जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई करके, ताकि बीमारियाँ ना फैलें, इस करके प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी समस्या का हल किया जाए।